अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि कमाल भाई न्यू वीडियो कोई आपकी अपलोड नहीं हो रही, तो आज हाजिर हुआ हूँ इसी सिलसिले में। सब दोस्तों को पता है कि यार गर्मियाँ, गर्मियों में आगे पीछे जाना बहुत ही मुश्किल है। अपने चैनल पर पता नहीं मैं किस तरह आ जाता हूँ इतनी गर्मी में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, 80% जो मेरे दोस्त हैं मेरी वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, बस वीडियो देख के चले जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है वीडियो देखें तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। और डोरा इस टाइम बिजी है, दो दिन पहले एक फीमेल आई हुई थी सवाबी से, एक जज्बाती भाई से यूट्यूब से वीडियो देखी है, डोरा उनको काफी पसंद आया, तो सवाबी से एक भाई जो है फीमेल लेके आए हुए थे। फीमेल आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे साइज की फीमेल है, उनको डोरा उन्होंने यूट्यूब में किसी वीडियो में देखा तो काफी पसंद आया, तो वो उन्होंने कॉल की और कहा कि जी मैं लेके आना चाहता हूँ। मैंने कहा जी ले आए। तो अभी इसको दो दफा मेट हो चुकी है फीमेल, तीसरी दफा फिर ट्राई कर रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आज होगी। तो ये फीमेल मेट होने के लिए आई है, तो कबूतर भी मेरे माशाल्लाह जितने भी थे सब इधर हिल गए हैं, अब आगे पीछे कोई भी नहीं जाता। कबूतरों का भी आप लोगों को शौक करवाते हैं, उसके बाद बैला को खोलेंगे, ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है। तो चलें जी कबूतरों वाले सेक्शन में चलते हैं, वो दिखाते हैं आपको कबूतर अपने। अभी मैंने इनको दाना डाला हुआ सारे खुले में, दरवाज़ा बंद कर दें क्योंकि मैंने आप जैसे आप दोस्तों को पता है मेरे डॉग जो हैं कबूतरों के दुश्मन हैं, कबूतरों का शौक करवाते हैं आपको। देखिए नहीं माशाल्लाह, ये पेड़ लगा हुआ है इनका, ऑटोमेटिक ही लग गया था, मैंने नहीं लगाया, साथ इनका बच्चा बैठा हुआ है। और ये एक कबूतर है, ये मेल है, इसके इस ब्लैक वाली के साथ पैर लगा हुआ, पैर मेरे उल्टे ही लगे हुए हैं सारे। ये भी बच्चे बड़े हो गए हैं, ये दो नीले कलर के खूबसूरत है, एक वो पिंजरे में बच्चा बैठा हुआ है, एक ये बड़ी फीमेल है, एक ये बच्चा है, दो ये बच्चे हैं। माशाल्लाह बच्चे इस दफा काफी आए हैं, एक बच्चा इधर भी है। ओहो ये बच्चा भी है, कुछ फीमेलों ने अंडे दिए हुए, बैठी रहो डरो नहीं। अच्छा जी डर के आगे पीछे निकल जाते हैं, लेकिन अब ये जिधर मर्जी जाएं ये भागते नहीं है, सारे इकट्ठे जाते हैं, उड़ते हैं फिर वापस आ जाते हैं। अब इनका जो उड़ने का रास्ता वो भी मैंने खोला हुआ, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये जाली से जहाँ पे वो बैठी हुई है कबूतरी मादी, यहाँ से सारे निकल जाते हैं। ये चेक करें, ये मेरा सबसे पुराना कबूतर है, व्हाइट वाला देख रहे हैं आप, ये सबसे पुराना कबूतर है। अब जी बेला का शौक करवाते हैं आपको, देखें कितनी बड़ी हो गई है, मेरी ऐसी स्ट्रेट खड़ी रहती है, अभी तो मेरी चेस्ट तक आ जाती है आराम सुकून से। ये देखें माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत फीमेल बन गई है, जो बुली गुलटेर के शौकीन है वो ज़रा बताइएगा किस तरह की बनी है ये, क्योंकि जो मेरे पेज को शुरू से देख रहे हैं उन्होंने इसको छोटा भी देखा होगा, छोटी किस तरह की थी ये। तो हाँ अभी भी देख रहे हैं, ये पीछे जो आप शॉपर देख रहे हैं तो भाई इसी ने चढ़ाई है, क्योंकि आजकल ड्यूटी पे यही होती है। इसके अलावा जी काफी दोस्त भाई मुझे कहते हैं कि बड़ी ईद आ रही है, बड़ी ईद के जानवरों की भी वीडियोस वगैरह आप लगाएं। इंशाल्लाह जी मैं उन जानवरों की भी, बकरों की बैलों की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वीडियो इस दफा अपलोड करूँ। तो ये थी आज की शॉर्ट सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।